बहुत खुशी भाई आपके कैसे आदमी देश के प्रधानमंत्री होके चाहिए, जिस सीमा पे खड़ा जवान से लेके और खेत में खड़ा किसान से लेके हमारे व्यापारी भाई से लेके हर केहू के बारे में सोचे और उनका मंत्र हमके बड़ा अच्छा लगा, सबका साथ सबका। और सफलता पूर्वक क्योंकि निभावे हर बीमारी के जड़ से खत्म करने का प्लान बनाने और धीरे धीरे जो खत्म करे चालू भी कर दे रहे, कुछ समस्या खत्म हो गई, कुछ खत्म हो रहा बा। और अगर उनके मौका मिला 5 साल तो हमके लगा था कि सारी समस्या का समाधान हो जाए, तो हमके बड़ा अच्छा लगा कि चला फिर से सब के चाहत बा कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाए। उसके बाद हम शूटिंग करे खातिर मथुरा में गई, तो मथुरा में हमके पता चला कि हमारे बड़का भैया अखिलेश यादव जी कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। हमको नहीं कहा है ठीक है उनके ना बनने दे, तू बन जा भाई सबके हक हाँ है। तो पता चला कि मैं तो प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हूँ। अरे आप प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हैं, जो व्यक्ति इस देश को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी के साथ चला रहा है उसको क्यों रोकना चाहते हैं आप? कि अखिलेश भैया तो बहन जी से हाथ मिला के अगर एक घमंड में हवा कि नरेंद्र मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री ना बने देवा तो इतवार भूल कहे कि तू तो खाली बहन जी से हाथ मिलो ले हवा आई जितो दवा देवे के आजमगढ़ के बच्चा बच्चा के दिल में निरहुआ बस है। हमारे सामने हमारे बड़का भैया अखिलेश यादव ऐसे आए हो कि वो चाहते हो कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब राहुल गांधी जी के बारे में समझ ला लो तनी सर ढेर टाइम ना आता निकल कहला कहला कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम देश द्रोह का जो कानून है उसे खत्म कर देंगे। हम कहें अच्छा देश द्रोह का मुकदमा के दिलों पर चलेगा जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा और तू वो मुकदमा के हटा देगा तो राहुल भैया सुना तू 5 साल ना 50 साल ऐसे ही चुनाव लड़त रहा ये देश के लोग तो के गांव को प्रधान ना बने ये प्रधानमंत्री तो बहुत दूर। हाँ ठीक है ठीक है रुक जा तोन वाली हुई गाना हो रुक जा। आपने कहा कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा उन्होंने, उनकी नियत मैंने तब पकड़ी जब वो यहां नामांकन करने आए और नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जब लैकन के डंडा थमावे के है तो परीक्षा का क्या जरूरत है, जो दौड़ के भर्ती है वो दौड़ा के भर्ती करा। उस दिन मैंने समझा अखिलेश भैया कि आप कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं और आपकी सोच कितनी छोटी है। आप क्या चाहते हैं, आजमगढ़ के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं? परीक्षा नहीं होगी तो कौन बच्चा पढ़ने जाएगा? ये माँ जब पूछेगी अपने बच्चे से स्कूल क्यों नहीं गया तो कहेगा जब परीक्षा ना आए तो स्कूल नहीं गए। तो सोच है हमरे अखिलेश भैया का आजमगढ़ के अनपढ़ बनावल चाहत हूँ। एक ठिकाना मुल्ला नसरुद्दीन जल्ला मुल्ला नसरुद्दीन गांव गांव में घूम घूम के और सबके पढ़ावे, वो टाइम स्कूल ना रहे तो वो गधार गधावा पर बैठा लिखो गांव गांव घूम के पढ़ावे। एक दिन दुपहरिया में बगीचा में गधा बांध के नसरुद्दीन सुरतात रहना गधावा सोच लो बढ़िया टाइम है इनसे तनी बतिया ले। गधावा कलश के नसरुद्दीन साहब तनी हम को पढ़ा देता। नसरुद्दीन कहना कि ना
हम सबके पढ़ा सकेला लेकिन तोके ना पढ़ाई। गदवा कल से बात बताला हमारे पिटिया बच्चन के अब तू पूरा ग्राउंड ग्राउंड घुमाला और हमारे गला पढ़ेबा तो नसरुद्दीन कहना कि ना पढ़ले हुए तब तक तोरे पिटिया पे चढ़ ही ला जैया पढ़ ले में तैया तो हमारे पिटिया पे चढ़ जेबे तो भैया तो के ना पढ़ाई ये सोच है हमारे अखिलेश यादव भैया का कि जब तुम्हार लड़का बच्चा पढ़ लिया ना तो जवन अंधा भक्त बने हुए खुनवा में अखिलेश खुनवा में अखिलेश खुनवा में अखिलेश एदा पारी तो 23 तारीख के बाद चिल्लाई हलो आई हो माई एवीएम मशीन खराब है इन निरहुआ घुरहुआ कैसे जीत सकता है पर उनके पता ना कि वो जितना गठबंधन कर लो उनका खाली बहन जीत वाला बाकी यहाँ जितना लोग वोट देने वाला हो कुल हमारे साथ है कि जब जैया लोग 12 तारीख के बूथ पर तो खाली आपन वोट दे के जिम्मेदारी खत्म मत करिया बूथ पर तब तक खड़ा रहिया जब तक एक एक वोट ना पड़ जाए तब इनके पता चली कि इन लोग को गुंडई कहाँ गए तो लोग बूथ पर से हटिया मत भूख लगी घरे या खाना खा के फिर जाके चमचिया हाँ अरे इतना देर तक एगो छोट से हीरो खातिर खड़ा हुआ लोग 12 तारीख के तक भारत के सबसे बड़े हीरो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है ठीक है तैयार वालो तो सुना एक निरहुआ से काम ना चली घरे घरे निरहुआ बने की पड़ी ठीक है और दो लाइन गाना सुना देते हैं एक सीख लिया लो जहां जैया यही तो गैया लो ठीक है और माता बहन लोग आप लोग भी सीखना जो तो आप सखी सहेली लोग खाना बनाओ थे ना बोल रहे वो लोग कब सुना दिया लो कि निरहुआ यह गाना गाना सा मुझे बड़े बच्चों रहे सोच के करिया मत बनवा आजमगढ़ के लोग आजमगढ़ के लोग सुनला पूरा देश के लोग सोच के करिया मत बनवा आजमगढ़ के लोग और अगर गलती कहिया तो देशवा बेच दी है बेईमाना आजमगढ़ के लोग देश बढ़ के कुछ ना होला सब बाटे बेकार हमसे बहुत लोग कहना अरे नहीं रहुआ जा तुम्हें चुनाव लड़े हार जेबे तो नहीं अरे को होबे ना वो अरे का हम कहे हे चाहे अरे का ना हो चाहे वो अरे का ना हो चाहे केहरो को ना हो लेकिन अगर ये देश के साथ क्यों गद्दारी करी तो के छोड़ ना देश बढ़ के कुछ ना होला सब बाटे बेकार और देश के हित में हमारे भैया लोग के हित में हमारे बहनी लोग के हित में किसानन के हित में जवानन के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार अब क्यों पूछी कि कमल का बटन कहाँ है दबाया थोड़ा तो कह दिया कि अरे निरहुआ कहले बाया लानवा लानवा के लोग